तुम्हें पता है मैंने एडमिशन कहाँ लिया है? हाँ पता मुझे, पागलखाने में आपने एडमिशन लिया है। उस दिन मैं कैसी लग रही थी? उस दिन तुम पूरी चुड़ैल लग रही थी, कसम से चुड़ैल लग रही थी। मेरी बातों का जवाब क्यों दे रहे हो? हाँ नजमा, मुझे उस दिन बताया तूने, मुझे उस दिन क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि आई लव यू सो मच। नजमा, और नजमा मर गई है। Assalamualaikum, I am Khizr चौधरी। तो आज मैं आपके लिए बहुत फनी सा कॉल क्लैश प्रैंक लेके आया, जिसके देखते हैं क्या रिएक्शन आते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो क्या करो, अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। इंस्टाग्राम की आईडी या लिंक नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए पीस आउट। हाँ आरो नजमा, तुम्हारे पास ही मैं, नजमा तुम्हारे दिल में उड़ के आ गया मैं। हाँ हाँ नजमा, हाँ एडमिशन कहाँ लिया है? एडमिशन? अच्छा हाँ नजमा, अगर तुम्हारे पास ही बस। तुम्हें पता है मैंने एडमिशन कहाँ लिया है? हाँ पता मुझे, पागलखाने में आपने एडमिशन लिया है। पागलखाने में एडमिशन लिया ना, पागल हो पूरी यार, गर्मी बहुत है, घर से बाहर ही नहीं निकला जाता, तुम आधे चक्कर लगा लो। गर्मी माशा, हाँ गर्मी यार, वैसे खून पसीना एक हो गया मेरा नजमा। हाँ हाँ हाँ, बहन की शादी है तो कपड़े वगैरह लेने आधे चक्कर लगाओ। आ रहा हूँ, टेंशन ना लो, अपनी भी शादी कराएंगे बहन की, क्या पहले अपनी कराते हैं फिर बहन की शादी हो जाएगी। नजमा यार तुम्हें सही समझा रहा हूँ मैं। यार उस दिन मैं कैसे लग रही थी? उस दिन तुम पूरी चुड़ैल लग रही थी, कसम से चुड़ैल लग रही थी। मेरी बातों का जवाब क्यों दे रहे हो? हाँ नजमा, हाँ जी, मेरी बातों का जवाब क्यों दे रहे? मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड नजमा से बात करूँ, आप कौन हो? मेरी बातों का जवाब दे रहे हो? मैं जवाब आपकी बातों का तो नहीं दे रहा मैं तो नजमा से बात। नजमा यार लड़कियां तुम्हें पता प्रपोजल आते रहते हैं, तुम्हारा आशिक कितना फेमस है। पता नहीं कौन है जवाब दे, मैं जवाब तो नहीं बातों का दे रहा, जवाब जवाब तो नहीं दे जा रहा मैं। चल मुझे उस दिन बता, तूने मुझे उस दिन क्या कहा था? मैंने आपको कहा था कि आई लव यू सो मच। यार तुम्हें क्या मसला है, पागल हो तुम? हाँ वो आपके प्यार में थोड़ा सा पागल हो गया मैं। क्या हुआ आपको? मुझे आई लव यू क्यों कहा है? आपको आई लव यू क्या मैंने, आप रिसेप्ट कर लो ना। अगर मैंने नजमा को क्या मैंने आपको तो नहीं कहा आई लव यू। मैं तो अपनी दोस्त से पूछा, तुमने मुझे आई लव यू बोला है। बस मेरा दिल कर रहा था, मैंने आई लव यू बोल दिया। अब आप अपना काम करो, मुझे बात करने का। आप मामा भी ठीक, रिश्ते की बात करनी थी मामा ने, मामा कह रही थी अभी आओ रिश्ता, मिठाई वगैरह खा खू लेते हैं। मैं कहा नहीं यार अभी नहीं। खुद ही अपनी स्टडी के बताओ, उसकी स्टडी सही जा रही है, अपनी तो बताओ कैसे जा रही है। मेरी भी सही जा रही है। अच्छा आप मेरी बातों का रिप्लाई, वाह 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 वाह। हाँ मैं चक्कर लगाऊंगी फिर, दो मिनट में तुम्हारे पास भी आऊंगी शीला की जवानी। हाँ क्या हाय, दिल ने दिल तोड़ा ये वाला दिल। अच्छा है नजमा? हाँ हाँ आ जाऊंगा तुम्हारे पास ही कदमों में। ओ मुझे पता है कौन से काम होते हैं, लोगों के घरों में जाके मांगती हो, ऐसे आवाजें लगाती हो, जुमेरात सदका खैरात ऐसे आवाजें लगाती हो लोगों के घरों में जाके। इतनी मांगती बन गई हो, शाड़ों में मांगती हो। क्या नहीं ताजे सुनाऊं तुम्हें मैं? कौन सा पागल लड़का? पागल तो नहीं, आपके प्यार में थोड़ा सा पागल लड़का हो गया हुआ, अब मैं क्या करूँ, उसमें मेरा कसूर थोड़ी है। यार तू ना नजमा, हाँ नजमा नजमा मुझे पता तुम सुपरमैन की बच्ची, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ नजमा तुम्हारे दिल में आ जाऊंगा। नजमा और नजमा और नजमा, नजमा मार गई है। नजमा ने फोन काट दिया, उसके कुल्लों के चावल भी खाने थे मैंने, अभी बहुत हो गया। आपकी वजह से मेरी नजमा फोत हुई है। तुमने मैंने तुम बात कर रहे थे मेरे से, मैं बात कर रही थी, मेरी बातों का जवाब दे रहे थे, मेरी कॉल तुमने काट दिया। मैं आपकी बातों का रिप्लाई तो नहीं दे रहा यार। आप लोग वीडियो तो एंजॉय करो लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या करो, अभी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। इंस्टाग्राम की आईडी या रियल लिंक नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में। बिल्कुल नहीं दे रहा था, मैंने रिप्लाई किया ही नहीं यार, मैं नजमा से लगा हुआ था। नजमा से नहीं लगा, यार एक मामा की कॉल आ गई है। जी जी मामा, हाँ जी ओके मामा, ओके हाँ ओके मामा।
यार आप ऐसे मेरे साथ मेरे घर आ सकती हो? क्यों? क्योंकि ना मेरी मामा कह रहे थे आते टाइम ना कुछ मीठा लेके आना। मामा ने कहा था आते टाइम कुछ मीठा लेके आना। मेरे घर जाना पड़ेगा आपको। नहीं मैं किसी के घर नहीं जाती। यार आप मजाक से मरिया, मैं क्या करूँ मीठा मामा को कहाँ से ला के दूँ? आप इतनी स्वीट हो ना, आपकी आंखों में देख के मैं डूब रहा आंखों में। नहीं डूब सकता मैं, कशिश है आपकी आंखों में बहुत। वो टच मी वाली कशिश है ना, वो वाली कशिश है। यार आप क्या मुझे डॉक्टर के पास लेके जा सकती हो? क्योंकि आपको देखने के बाद ना मेरी सांसें रुकने वाली हैं। आपको कुछ कह रहा, मेरी बातों का मजाक समझियो। सीरियस आपको देखा ना मैंने वहां से दूर से, मुझे ऐसी अट्रैक्शन हुई जैसे पता नहीं किसी से नहीं हुई कभी। हाँ मुझे बहुत क्यूट लगी थी। हम जन्म जन्म साथ रह सकते हैं ना? क्यों रह सकते हैं? वो आपके लिए शेर है कि तेरे इश्क ने मुझे कर दिया अवारा, गायन गुबारा फे फवारा, फिटे मुँह हमारा दूर फिटे मुँह तुम्हारा। ये शेर था, कसम से शेर था। बात किससे करी थी? अपने दोस्त से करी। मुझे लगा हमारे रिश्ते की बात करी। वाह वो भी कर लेगा, मामा को फोन करूँ मिलाऊँ चले? नहीं। चलते हैं दरबार पे बैठ के, वहाँ रिश्ते की बात भी हो जाएगी सारा कुछ। आपको नहर के किनारे पे बैठा के ऐसे धिक्का मार दूंगा। अच्छा, सही है। तो मैं ना मारूं धक्का मैं? नहीं आपने इतनी क्यूट हो। नहीं हम दोनों इकट्ठे मरेंगे, इकट्ठे जिएंगे, सब कुछ करेंगे। तो आपको एक बात बताऊं, हम ना एक प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे। अच्छा। तो ये सब कुछ हमें कॉल पे कोई ना प्रैंक वीडियो शूट कर रहे थे, वो उधर कैमरा लगाया हुआ है। वो लड़का नजर आया आपको? वो लड़का नजर आया। हाँ अच्छा, हाथ दिला दो। अच्छा आपका क्लिप यूज़ कर लें, यूट्यूब पर वीडियो है, हिट प्रैंक के नाम चैनल है, प्रैंक सर के नाम से कर लें। पक्की बात है। सॉरी आपको तंग किया, आप बात करो जिससे करनी थी। सॉरी।